मेरा जन्म मुंबई में ही हुआ, कुर्ला इलाके में, और इसके बाद में उम्र के 16 साल में कुछ मेरे हाथ से जाने अनजाने में क्राइम हो गया, कई लेडीज से छेड़खानी और गाली गलौज झगड़ा हो रहा था वहाँ। तो हम तीन दोस्त लोग बैठे थे वहाँ और देख रहे थे कि क्या हो रहा है। तो हम जाकर वहाँ खड़ा हुए और पूछा गया, अरे भाई साहब ये क्या कर रहे हैं, ठीक नहीं है आप? तो उन्होंने कहा तुझे क्या करना है, और धक्का वक्का दिया और गाली गलौज करने लग गया। तो कहते ना क्षणिक क्रोध गुस्सा इंसान की जिंदगी बर्बाद कर देता है, कहाँ से कहाँ ले जाता है। तो मुझे गुस्सा आ गया क्योंकि उसने मुझे गाली दिया है, गलत कहने लग गया। तो मैं पास के एक सैलून में गया, वहाँ से एक लेजर ले आया वस्त्र, और उस आदमी को स्टेपिंग कर दिया चेहरे पर, और वो पकड़ने को आया तो नीचे पेट पर मार। हालांकि केस छोटा सा केस हुआ 324 का, लेकिन गुनाह तो गुनाह होता है छोटा या बड़ा। और पुलिस केस हुआ, फिर मुझे पकड़ कर पुलिस ले गई और अत्तर और सेंट्रल जेल में डाल दिया। उम्र के 16 साल में 18 साल बताकर अत्तर और सेंट्रल भेज दिया। वहाँ सब अलग अलग गैंगस्टर लोग थे, अलग अलग गैंग के लोग थे, कंपनी थे। मेरी स्कूल की पढ़ाई भी छूट गई और मैं एक अलग ही दुनिया में चला गया। वहाँ फिर जाकर सीखा गया कैसे क्राइम होता है, कैसे कैसे क्राइम करते हैं गैंगस्टर लोग, कैसे रहते हैं, क्या क्या क्राइम होते हैं, यह सब वहाँ समझ में आने लग गया। फिर 3 महीने बाद रिलीज होकर जब बाहर आया तो देखा क्या मेरे जो स्कूल के फ्रेंड थे या साथी थे, वो लोग भी सब दूर दूर रहने लग गए। अरे ये जेल से छूट कर आया है, पता नहीं उस दिन एक आदमी को वस्त्रा मार दिया, जेल में गया, इसके साथ नहीं खेलना है, नहीं रहना है, ये है। तो मैं अकेले रहने लग गया। फिर तो उस दिन वहाँ के वो जो उस इलाके के 8-9 लोग जो थे क्रिमिनल, वो लोग आए और बोले अरे तू तो अत्तरूर जेल में था ना। तो मैंने उनको देखा, बोला हाँ आपको कैसे पता? बोले हम लोग भी वही थे ना। तो बोलते रहे जैसे संगत गुण, तो फिर उन लोगों से दोस्ती हो गई, पहचान हो गई। तो जैसे संगत गुण मिलता है वैसे वैसे आदमी फिर उस लाइन में चले जाता है। एक तो वातावरण वहाँ का ठीक नहीं था, ऊपर से ये संगत मिल गई उनकी, तो उनके साथ रहते रहते फिर क्राइम करना सीख गए हम लोग। तो वहाँ के जो भी दारू वाले, चरस वाले, गांजा वाले, अफीम वाले, तो लोग थे जो 2 नंबर के लोग थे, क्योंकि आम आदमी के पास तो पैसा नहीं रहेगा, जो ये धंधा करता है उन्हीं के पास पैसा रहेगा। तो उन लोगों को धमकाना, डराना, उनसे पैसे लेना, या वो जो भी कुछ सुपारी देते थे कि इसका बार तोड़ना है, इसको मारना है, इसको उठाना है, इसको धमकाना है, तो ऐसे पैसे देते थे। तो ये 8-9 लोगों के गैंग मिलकर ये काम करते थे। तो ऐसा करते करते मेरे पर कुल 19 मामले हुए, 2 MPDA, MPDA यानी महाराष्ट्र प्रिवेंट डेंजर एक्ट, 1 साल का होता है वो, और फिर 2 बार तड़ीपार हुआ। इस तरह से केस चलते रहते थे, जेल जेल नहीं लगता था, घर लगता था। और जेल में हम लोग आराम से एंजॉय करते थे, सब खाना पीना, साथ में गाना वाना गाना, और एक दूसरे से जो भी नया कोई आता था तो उसे पूरा उससे पता करना क्या कैसे किया, क्या किया, फिर उसको बताना ये तेरे में फोल्ड हुआ है, इस तरह से करता तो ऐसे नहीं होता था। कुल मिलाकर 6.5 साल जेल में रहा, तो जेल का ABCD सब मालूम पड़ गया, क्या है, कैसे रहते हैं, क्या है, किसके केस में कितना बेल है, कितने महीने बाद चार्जशीट मिलती है, FIR कब दर्ज होता है, तो ये और बेल कैसे होती है, तो ये सब पता चलता था। तो लोगों की चार्जशीट पढ़ना, लोगों को अप्लीकेशन लिख के देना, ये सब करते रहता था। जेल जेल नहीं लग रहा था, घर लग रहा था। गाने भी गाते थे, आना जाना जेल खाना जेल हमारा घर, कोर्ट कचहरी ससुरवाड़ी आपका है का डर, ऐसे चलते रहता था। लेकिन पढ़ने की होती थी तो पढ़ाई के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ाई करते रहता था। तो नॉवेल्स पढ़ता था, जो नॉवेल्स आते हैं ना क्राइम के, ये वो देवराज सीरीज के छोटी थी, जो नॉवेल्स है वो पढ़ते रहता था। 3-3 घंटे में पढ़ के रख देता था, फिर किसी को बोलता था नहीं कुछ है क्या पढ़ने के लिए, तो लेते रहता था, ऐसा पढ़ते रहता था। तो पढ़ते पढ़ते लास्ट टाइम में कुछ था नहीं पढ़ने के लिए उस दिन, तो मुंबई सरोदय मंडल जो NGO है, इन्होंने माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ यह किताब जेल में देकर गए थे बांट कर। तो सोचा चलो यू ही टाइम पास के लिए पढ़ लेते हैं। तो उसमें पहले पेज में लिखा था माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ सत्य के प्रयोग, और पीछे लिखा था मैं आपको दुनिया को आपको कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ, सत्य और अहिंसा अनादिकाल से चले आ रहे हैं। बोला ये कुछ नया भी नहीं बता रहे, और बोल रहे कि सत्य और अनादिकाल बरसों से चला आया है।
और फिर एक्सपेरिमेंट किया है सत्य पर, ये क्या सब, तो चलो टाइम पास के लिए यूं ही पढ़ लेते। तो वो पढ़ने लग गया तो उनमें गांधी जी की बचपन में भूत प्रेत से डरते थे, अंधेरे से डरते थे, सांप से डरते थे, बीड़ी पी, व्यसन किया, फिर कुछ ऐसे उनकी जो भी गलतियां हुई, मिस्टेक हुई, बाद में फिर उन्होंने कैसे खुद को इम्प्रूवमेंट करते करते, एक्सपेरिमेंट करते करते, सत्य के बोलते बोलते मोहन से महात्मा बने, ये सब पढ़ा। तो फिर मैं सोचने लग गया क्या हर इंसान बचपन में गलती करता है, गलतियां हर इंसान से होती, लेकिन उसको सुधारना और अच्छा बनना ये बहुत बड़ी बात है। फिर इसके बाद में सोचने लग गया कि एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं अपन, तो क्योंकि कुछ वहाँ खाली वक्त था, नहीं तो वैसे भी खाली दिमाग शैतान का घर रहता है, कुछ ना कुछ दूसरा ही करते रहते, तो इससे अच्छा कुछ तो और करेंगे, तो एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाए। तो ऐसे ही सोचा कि हम सच, आज सच बोलने का एक व्रत लेते हैं डेली, और देखते हैं कि सच बोलने से क्या फ़ायदा होता है। तो डेली दिन भर सच बोलने का सोचने का, कोई आया लेटर पढ़ने के लिए, एप्लीकेशन पढ़ने के लिए, कुछ पूछने के लिए, जो है तो दिन भर उससे सच बोलने का, जो भी है झूठ नहीं बोलने का। तो शाम को फिर चेक करने का कि कहाँ गलती हुई, तो 80% झूठ ही बोलता था, क्योंकि आदत नहीं थी ना, वर्षों का 16 साल इस लाइन, इसमें लाइन में रहा, और अंदर रहने से फिर वो एटीट्यूड आदत बन गई, और फिर सही यही नहीं होता था, तो फिर लगता था कि नहीं फिर ट्राई करेंगे। फिर ऐसे ही 6 महीना प्रैक्टिस किया, तो फिर बात करने का ये नहीं था, क्योंकि कुछ साल में 15 साल उस लाइन में रहने की वजह से मेरी बात करने का चेंज हुआ था एकदम, कोई भी आया तो ये भंटा इधर आ, घंटा ना खाया क्या, उधर अलग ही भाई लैंग्वेज थी जेल की, उस लैंग्वेज में बात किया तो वो समझते ये क्रिमिनल है हाथ, और कुछ तो है तो वहाँ की जो भाषा है वो अलग से भाषा बात करते हैं, घंटा इधर आ, घंटा ना खाया क्या, घंटे का नाम क्या है, चंटा निकल जा, ऐसा वैसा ये वो सब बातें करते थे। तो कहा क्या नहीं ये सब ठीक नहीं, अपनी वाणी को सुधारना चाहिए। तो फिर सोचा वाणी को कैसे सुधारे, क्योंकि एक बार बोलने लग गए तो फिर वो रुकता ही नहीं, कुछ ना कुछ निकलता ही था। तो कहा मौन रहना चाहिए एक एक घंटा, तो फिर एक एक घंटा मौन रहने लग गए। तो फिर साथी लोग चिढ़ाते थे ये क्या कर रहा है, एक मौन बोलता नहीं, कुछ बार बार आकर बोलते थे, तो मौन की प्रैक्टिस हुई, थोड़ा ठीक लगने लग गया। फिर सोचा कि अपनी जो जबान है वो बड़ी बिगड़ गई है, एकदम बातें करके ऐसे ऐसा, इसको अच्छा बोलना चाहिए। तो फिर दूसरे दिन सोचा कि दूसरे दिन सुबह उठकर आज नम्रता से बात करेंगे किसी से, जो भी आया तो प्यार से बात करेंगे, कोई भी आया नमस्कार और कैसे हो, आइए भाई साहब बैठिए। तो मेरे साथी बोलते थे अरे ये ठीक तो है ना, ये पता नहीं तो इतना साल हो गया, और 6-7 साल से साथ में कभी ऐसा हुआ नहीं, अचानक ऐसी कैसी बातें करने लग गया, आइए भाई साहब बैठिए कैसे हो ये। तो फिर ऐसे ऐसे करते गया, बातचीत करने लग गया अच्छे से। फिर मैं सोचा कि ये नॉवेल्स है ना ये दिमाग खराब कर रहे, क्रैम के ये सब ये हटा देना चाहिए। फिर ये सब रख दिए बाजू में, और फिर गीता प्रवचन, स्वामी गुरु जी की शाम चाई, ये सब जो है विवेकानंद, इनकी किताबें पढ़ने लग गया। तो मुझे भी ये पढ़ते पढ़ते ये ज़रूर समझ में आने लग गया कि सत्य अहिंसा जो है ये वर्षों से चला आया, बहुत लोगों ने सत्य के प्रयोग किए अपने जीवन में, आचरण में लाया, और गांधी जी ने भी आचरण में लाया, फिर मोहन से महात्मा बने। तो ये से जो सत्य है इसमें पावर है, कुछ ना कुछ है, और मैं हमारे अंदर भी डेरिंग है, हिम्मत है, लेकिन ये गलत रास्ते पर ले जा रहा हूँ, जो अपनी शक्ति है, विचार है, ये गलत रास्ते पर ले जा रहा हूँ, कि खुद को सुधारना चाहिए। तो फिर उसके बाद में उसमें लिखा था कि अगर तुम दुनिया को बदलना चाहते हो या कुछ बदलाव लाना चाहते हो तो शुरुआत अपने आप से करो। तो फिर सोचा यार शुरुआत तो कर ली है अपने आप से और करना ही चाहिए, लेकिन कैसे करें और क्या करें। तो उसमें ये समझ में आया कि मेरी जितनी थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग 80% करता था और पॉजिटिव थिंकिंग 20% थी। तो पॉजिटिव थिंकिंग रहना चाहिए हमेशा, सकारात्मक विचारसरणी। तो सकारात्मक विचारसरणी कैसे आए, तो अभी क्योंकि वहाँ का वातावरण वैसा था और संगत भी वैसी थी, और उनसे छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि अंदर है तो फिर बाहर भी नहीं जा सकते, तो करें तो क्या करें। तो फिर पार्ट टाइम अलग टाइम में या तो एकांत में रहता था, या पॉजिटिव थिंकिंग की किताबें पढ़ता था, या वहाँ कुछ आम के पेड़ थे उनको पानी देना, फिर खुद का काम खुद करता था, झाड़ू उड़ू मारना, बिस्तर उठाना,
इसके पहले औरों को बोलता था, चल मेरा बिस्तर उठा के रख और पानी भर के ला, पीने का खाना ले। हम लोग ऐसा रखते थे, जो छोटे मोटे केस में आते उनको लेके रखते थे, उनको 200 रुपया देते थे, जो कूपन देते थे, ये 200 रुपया महीना लेने का, अपना सब काम करने का। तो हम वो सब खाना वाना ला के रखता था, बिस्तर वस्तर डाल के पानी ला, एक तरह से बोला नहीं ये अपना काम खुद करना चाहिए, तो खुद का काम खुद करने लग गया। फिर झाड़ू उड़ू मारने लग गया, तो साथी लोग आते थे, ये क्या करता है, झाड़ू उड़ू पकड़ा है, मार रहा है, चाकू तलवार चलाना वाला हाथ, झाड़ू उड़ू मारेगा तो अपनी वो जो ये है क्रेडिट है वो खत्म हो जाएगी, हाँ दहशत खत्म हो जाएगी, ये सब मत कर ठीक नहीं है। तो मैं कहता था अच्छा कमाल है, क्राइम के लोग भी ये सोचते कि आपने भी ये कुछ ये है ये सोच है, फिर है ठीक है बोला। तो भी फिर मेरा काम करता रहता, जो बोलते थे ये पता नहीं वो किताब पढ़ लिया उस दिन, माई एक्सपेरिमेंट टू हिंदी में किताब सत्य के प्रयोग, तब से इसका दिमाग खराब हो गया, ये पागल हो गया। तो बोलते ना सच के मार्ग पर चलने वाले को पागल ही कहते हैं, तो कहा ठीक है। तो उसके बाद में फिर केसेस चलते थे, तो 16 केसेस सब छूट गए थे मेरे, क्योंकि हम लोग शिफ्ट वाइज जैसा काम करते थे, 6 महीना ये क्राइम करते थे, 6 महीना वो बाहर रहते थे, 6 महीना हम करते थे, 6 महीना वो करते थे, बाहर सब पंच फिरियादी विटनेस के एड्रेसेस रहते थे, उसमें देखा ये वहाँ पंच है, फिरियादी है, विटनेस है, हाँ अभी कौन आने वाला है नेक्स्ट हफ्ते में, ये है ठीक है। फिर बाहर के दोस्तों को भेजते थे और वो जाकर उनको रिवाल्वर चाकू दिखा कर बताता था, ये देख रहा है हाँ हमको पहचानता है नहीं, अगर कल परसों जाकर गवाही दिया तो समझ जा ठोक देंगे। तो बीवी बच्चे के सामने धमकाने की वजह से वो डर जाता था, उन्हें पता नहीं फिर क्या करेगा, ये है वो है। तो कोर्ट में आता था और बोलता था नाम पता उम्र सब सही सही बोलता था, हाँ 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 बोलता था, कटहरे में जो आदमी खड़ा है देखिए यही था क्या जो आपको धमकाया मारा, सब इसके जैसा ही था, वहाँ वकील खड़े रहता था, पॉइंट दिस नोट मिला इसके जैसा था, जैसा ये नहीं। तो देखता था फिर उसको याद आता था वो धमकाया है कुछ भी कर सकते, तो फिर केसेस छूट जाते थे, ऐसे सब केसेस छूट गए, इतने केसेस छूट गए थे, कॉन्फिडेंस बढ़ते जा रहा था वो कुछ भी कर सकते, ये सब चल रहा था। फिर उसके बाद में फिर ऐसा वो वक्त आ गया कि लास्ट टाइम में जब भी कोर्ट में खड़ा किया तो मुझे पूछा गया आपके ऊपर 384 खड़नी जो केस लगाया है उसके लिए कहना है कुछ, क्योंकि सब केस में कितनी सजा है क्या है सब पता था, क्योंकि मेरे पर कुल इतने केसेस थे, 307 आप मर्डर, 324 स्टैपिंग करना, 326 डीप स्टैपिंग, 325 हथियार रखना, 37 वेपन रखना, 34 ग्रुप, 324 25 26 387 खंडनी एक्सट्रॉशन 506 धमकी, ये सब पता ही था पूरा, जिसमें कितनी सजा है और कितने दिन बाद बेल मिलती पता ही था। तो मेरा जो केस था इसके 384 खंडनी 506 धमकी 34 ग्रुप और 37 हत्या रखना, ये 4 कलम लगाए थे, क्योंकि क्या होता था एक केस करता था जैसा 307 हाफ मर्डर स्टैपिंग करना, लेकिन उसके साथ में एक के साथ 3 फ्री मिलते थे, वेपन रखना धमकी देना और साथ में हथियार रखना, 3 केस लग ही जाते थे, क्योंकि वो तीनों ग्रुप के बिना हथियार के बिना और क्या कहते हैं ना धमकी दिए बिना एक क्राइम तो होता नहीं, तो 3 एक के साथ 3 फ्री मिलते थे, तो ऐसे केसेस चलते थे। तो वो ये चल रहा था, तो मैंने कहा इस पर इतनी इतनी सजा हो सकती है, मैंने कैलकुलेट किया 7 साल सजा हो सकती है, ये भी है ठीक है। फिर जज साहब को मैंने कहा, क्या जज साहब ने कहा कि आपके ऊपर ये केस लगाया गया आपको कुछ कहना है, तो मैंने कहा हाँ जज साहब मैं एप्लीकेशन एक लिख के देता हूँ, मैंने खुद एक एप्लीकेशन तैयार किया मराठी में, माननीय न्यायाधीश महोदय ऊपरी अर्दा विनती निवेदन करता हूँ कि मैं ये फला फला दिन से फला फला केस में बंद हूँ और ये जो केस है इसमें गुनाह कबूल है, जो भी सजा देंगे मुझे माननीय। तो जज साहब ने पढ़ा, तो जज साहब ने कहा कि अब तुम्हें पता है इसमें 7 साल की सजा हो सकती है, मैंने कहा हाँ सर 384 करनी पास से धमकी तकनी, इसमें लोग एक लोग कलम ही बोल रहा है, तो बोले ठीक है। तो मेरे साथी भी बाहर थे, वो फिर साइट में लिए, मुझे बोले देख गुनाह कबूल मत कर, 7 साल के लिए जेल जाना सरना रहना पड़ेगा और अभी 2 महीने में छूट जाएगा, बाहर सब फिटिंग सेटिंग लगा दिए, फील्डिंग लगा दिए, पंच फिरियादी सबको धमका दिया है, जैसे इतने केस छूट गए छूट जाएगा, मत गुनाह कबूल कर। मैं बोला नहीं मुझे बस सच बोलना है, क्योंकि देख जो भी व्हाट में कम जो होता है वो तो होने दो, लेकिन बोलते ना जिसको एक बार सच का नशा लग गया ना वो फिर दुनिया को कुछ नहीं सोचता। तो मैं सोचा नहीं सच के रास्ते पर चलना है, देखते क्या होता है, ऐसे भी डेयरिंग लगती है, हिम्मत लगती है कोई भी क्राइम करने के लिए, तो फिर सच बोलने में क्यों डरना है, इसमें भी तो डेयरिंग हिम्मत है, तो वो यहाँ क्यों नहीं यूज़ करें।
तब तक मेरे जो नेगेटिव थिंकिंग कम हो होते गई थी, पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ रही थी। तो उसके बाद में फिर जज साहब ने कहा 7 साल हो सकती है, तो उन्होंने फिर सब ये खोला ऐसा देखा देखा और फिर कहा ठीक है तुमको 7 साल की जगह 4 साल 2 महीना सजा दी जाती और फिर आपको इतने इतने 4 साल 2 महीने सजा दी जाती है। उसने सजा दे दी उन्होंने, फिर जेल में चला गया। फिर जेल में जाने के बाद में ऐसे ही करते करते जेल में फिर अपना आपको चेंजेस लाने के लिए कोशिश करने लग गया। फिर उसके बाद छूट कर आया मुंबई सर्वोदय मंडल जो है एनजीओ, उसके साथ काम करने लग गया। और उसके बाद फिर आज महाराष्ट्र के अनेक जेलों में जाता हूँ और गांधी विचारों का प्रचार करता हूँ, सत्य अहिंसा क्या है प्रिजनर को बताता हूँ। स्कूल कॉलेज में भी जाता हूँ, बहुत सी जगह जाता हूँ और ये जो भी प्रिजनर छूट के आते हैं उनको कैसे अच्छा इंसान बना सकते, कैसे उनके अंदर जो पोटेंशियल पावर है वो चेंज ला सकते, खुद में ला सकते। कहते ना आप गलत हो आप गलत हो, ये तीन उंगली अपनी तरफ देखेंगे हमारे अंदर कितनी बुराई है। मैंने मेरे अंदर की बुराई देखा और फिर मैंने अपने आप को बदलाव लाया, तो वो बदल सकते हैं। और इसी के लिए फिर चेंजेस शुरू की और आज मैं अपने परिवार के साथ फैमिली के साथ खुश हूँ। और जल्दी अभी नेक्स्ट मंथ में मेरे ऊपर हिंदी मूवीज भी आ रही है लक्ष्मण गोले। और इसी तरह मेरा जो ये सफर है झूठ से सच की ओर, तो ये पूरा हुआ और मैं आज एक अच्छा इंसान, बोलते ना जीवन बदला दुनिया बदली, मन को अनोखा ज्ञान मिला, मुझे अपने दिल में एक नया इंसान मिला, मुझे अपने दिल में एक नया इंसान मिला।